ग्रामीण डाक कर्मचारी यूनियन का धरना सोमवार को 13वें दिन भी पोस्ट ऑफिस के बाहर जारी रहा। पोस्ट मास्टर अरविंद कुमार ने बताया कि सरकार ने वेतन भत्तों में संशोधन के लिए कमलेश चंद्रा एकल कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट 28 महीने पहले डिपार्टमेंट को सौंप दी थी और सारे कर्मचारियों को वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है, लेकिन GDS को कुछ भी लाभ नहीं मिला है, जिससे आज मजबूर होकर हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे। मोडक समेत आसपास के सभी डाकघरों में कामकाज ठप रहा, नहीं मिल रहे हैं लोगों को प्रवेश पत्र, नहीं जरूरी खत, कोई लोगों की बैंक की पासबुक भी डाक दर की हड़ताल की वजह से अटकी पड़ी है। लोग काफी परेशान हो रहे हैं।